Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 2 operations on sets. Dear students, हमने question number 7 तक मैंने आपको homework task दिया था, जो I hope कि आपने solve कर लिया होगा. Question number 8 से हम start कर रहे हैं. If A is equal to 02468 and B is equal to 13579, तो find A union B part 1, second is A intersection B, third is A difference B, fourth is B difference A. हमने इसमें find out करने हैं चार parts. क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला पार्ट इसका मैं कर रहा हूं सॉल्व. ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट इज ए की वैल्यू है 0, 2, 4, 6 एंड 8, यूनियन बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7 एंड 9. इन दोनों का यूनियन में मैंने आपको बताया था क्या करना है, दोनों में इकट्ठा करके लिख देना, दोनों सेट्स को एक साथ करके लिख देना, अरेंज करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दोनों सेट्स को अरेंज करके मैंने लिख दिया. यूनियन में क्या किया, दोनों सेट्स को अरेंज करके मैंने लिख दिया, आपको इकट्ठा करके लिख दिया 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3. ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी. सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी. ए की वैल्यू क्या है 0, 2, 4, 6 एंड 8, इंटरसेक्शन का साइन. बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 एंड 9. अब इन दोनों में हमने इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन में हमें कोई कॉमन वैल्यूज इन दोनों में देखनी है कि कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं. इन दोनों सेट्स में कौन कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं, इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा हमारे पास. क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट है ए डिफरेंस बी. क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट में करने लगा हूं, थर्ड पार्ट इज ए डिफरेंस बी. क्या है जी, ए की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8, डिफरेंस बी 1, 3, 5, 7 एंड 9. इसमें भी हमने देखना होता है कि जो फर्स्ट सेट्स की वैल्यूज हैं वो सेकंड सेट में मौजूद ना हो, और अगर सेट्स में वैल्यूज एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट सेट्स इज ए सेट ही आ जाएगा यहां पर 0, 2, 4, 6 एंड 8, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है. अगर कॉमन वैल्यू होती तो दोनों में वो एग्जाम कर दी जाती, लेकिन यहां पे जो एलिमेंट बच गए हैं वो ए सेट को देखा जाएगा. तो ए डिफरेंस बी निकालने के लिए हम सेट ए को लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, सेकंड सेट है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि 0, 2, 4, 6, 8 हमारे पास इसका आंसर ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा पूरे का पूरा, ये हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8. क्वेश्चन 8 का पार्ट 4 हमारे पास है बी डिफरेंस ए. अब बी डिफरेंस ए निकालने के लिए मुझे बी की वैल्यू पहले लिखनी, क्योंकि बी पहले है इसलिए बी की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी. बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 0, 2, 4, 6, 8. अब फिर हम वही देखेंगे, फर्स्ट सेट को कंसीडर करेंगे, इसके अंदर जो कॉमन वैल्यूज नहीं है वो लिख देंगे, हमारे पास इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए सेट जो फर्स्ट सेट है 1, 3, हमारा आंसर क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, ये बी डिफरेंस ए आ जाएगा हमारे पास. एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट, जिसमें सेट ए दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 एंड कॉम्प्लीमेंट, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 12. मैंने कहा था ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए, यानी के यूनियन सेट में से ए को माइनस कर दे या यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाए तो ए का कॉम्प्लीमेंट आता है. यहां पर वो कह रहा है यूनिवर्सल सेट फाइंड करें. यूनिवर्सल सेट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें तमाम सेट्स को कंसिडर किया जाए, अंडर कंसिडरेशन लाया जाए, तमाम सेट को इकट्ठा करके लिख दिया जाए. तो अगर यू सेट हम लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. क्या है ए सेट 1, 3, 5, 7 एंड 9, उसका यूनियन ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ
फोर फाइव सिक्स सेवन एंड ट्वेल्व, इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट आएगा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन एंड ट्वेल्व, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अंडर द तमाम सेट्स को अंडर द कंसिडरेशन, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके मैंने लिखा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, कि तमाम सेट्स को हम इकट्ठा करके लिख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, साइज वन में क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर वन तो मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कोई से दो सेट्स के दरमियान में होती है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहा जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहा जाए हमारे पास, तो वो होगी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहां पे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का आंसर मैंने इक्वल का साइन डाला है, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं हम, यहां पर ए की वैल्यू है 13579, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2468, देन और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं, देखिए इनमें से कुछ कॉमन वैल्यू नजर आ रही है, इनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का वो आएगा एम्प्टी सेट या खाली सेट। ये हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है 2468 10, इंटरसेक्शन ए 13579। इन दोनों में भी हम देखेंगे इंटरसेक्शन का मींस, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास इन दोनों में कुछ भी नजर नहीं आते। देखिए आप, अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन दोनों में तो अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर हम लिखेंगे एम्प्टी सेट बी इंटरसेक्शन ए, और हमारे पास जो आंसर है वो ए इंटरसेक्शन बी का भी एम्प्टी सेट आया था इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो तीन सेट्स के दरमियान में आएगी, तीन सेट्स तीन वैल्यूज के दरमियान। अब वहां पे सेट ए दिया हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 4, 8, 12, 16 एंड 20, C = 5, 10, 15 एंड 20। यहां पे देखिए मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दी कि क्या ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। आपने ये प्रूव करना है, ये आपका होम टास्क है, इसको आपने सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसके साथ यूनियन लेंगे सी को, इन दोनों का यूनियन लेंगे पहले, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा इन दोनों का उसको यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। फिर इसी तरह जो इसका आंसर आएगा उसको यहां पर फिर सेकंड में बी यूनियन सी लेंगे, सबसे पहले बी और सी का यूनियन ले लेंगे और वहां पर फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ यूनियन लेंगे। ये आपका होम टास्क है, जो आपने घर में सॉल्व करना है अपने नोटबुक के ऊपर।